हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक वसुधा भाग 6 का पार्ट 9 पेज नंबर 64 सर्वनाम निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। बच्चों, आज हमारा सर्वनाम पढ़ने का उद्देश्य सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानना है। आइए पहले जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम यानी प्रनाउन। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को उनके नामों से जानते हैं, लेकिन यदि हम इन नामों का वाक्यों में बार बार प्रयोग करें तो वाक्य अटपटे से लगते हैं। तो आइए पहले कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। रामू एक माली है। रामू का असली नाम रामलाल है। रामू प्रतिदिन बगीचे में जाकर पौधों को पानी देता है। रामू को बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाना पसंद है। रामू को रामू का बगीचा रामू के प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तो बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में बार बार रामू शब्द रिपीट हो रहा है, जिससे वाक्यों की सुंदरता समाप्त हो रही है। तो आइए अब इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे। रामू एक माली है। उसका पूरा नाम रामलाल है। वह प्रतिदिन बगीचे में जाकर पौधों को पानी देता है। उसे बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाना पसंद है। उसे अपना बगीचा अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तो आपने देखा इन वाक्यों में नाम वाले शब्दों की जगह हमने उसका, वह, उसे, अपना, अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया, जिससे भाषा सुंदर व प्रभावशाली बन गई। तो बच्चों, हमने जाना जो शब्द नाम वाले शब्दों की जगह यूज होते हैं वह सर्वनाम शब्द होते हैं। आइए कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वह, उस, उसका, कुछ, कोई, कौन, जैसी, वैसी, जो, सो, अपना, खुद, आदि। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। आइए सर्वनाम टॉपिक को और विस्तार से जानते हैं। तो अपनी बुक का पेज नंबर 64 निकाल लीजिए। रामू एक माली है। इन वाक्यों को हम पहले चार्ट की मदद से विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ेंगे। आप इसे पेंसिल द्वारा मार्क कीजिए। जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह यूज होते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को विस्तार से जानने के लिए पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की सब काइंड्स, अर्थात भेदों को पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 65 पर चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सेकंड पर्सन। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन। चलिए पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरणों को पढ़ते हैं। मैं आज पिकनिक पर जाऊंगी। बच्चों, यहाँ बोलने वाला कौन है? मैं। मैं का यहाँ सिंगुलर रूप में यूज हुआ है। मैं का प्लूरल होगा हम। तो यहाँ मैं शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आइए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग
बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य सर्वनाम शब्द हैं, जैसे मैंने, हम, हमारा, मेरा, मुझे, हमने आदि सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अगला, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए उदाहरण पढ़ते हैं। तुम कौन हो? पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। आप अंदर आ जाइए। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। इन वाक्यों में आए शब्द तुम, आप, तुम्हें, आपसे आदि शब्द बोलने वाला सुनने वाले के लिए यूज कर रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। तो आइए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए यूज करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अन्य शब्द तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपसे आदि सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला उदाहरण देखिए। यह मोहन की गाड़ी है। वे किसी को ढूंढ रहे हैं। उसका नाम उमा है। यहाँ पर आए शब्द यह, वे, उसका आदि किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, और हमने पहले पढ़ा कि माली पौधों को पानी देता है। तो यहाँ माली जो है अन्य व्यक्ति के रूप में आया है। तो इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अन्य शब्द यह, वे, उसका, वह आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। बच्चों, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को उनके उदाहरणों सहित जाना। आइए अब हम पेज नंबर 64 पर दी गई पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। पहला उदाहरण, यह सुनीता की पुस्तक है। वह अनूप का घर है। यहाँ यह शब्द सुनीता की ओर इशारा करके बोला जा रहा है और वह शब्द अनूप की ओर इशारा कर रहा है। यानी जो शब्द दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करके बोला जाए वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति के निश्चित होने का बोध कराए वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए वाक्य पढ़ते हैं। वहाँ कोई है। दूध में कुछ गिरा है। किसी ने दरवाजा खटखटाया है। इन वाक्यों में प्रयोग किए गए कोई, कुछ, किसी सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित वस्तु और व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए। वहाँ कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? माँ कहाँ गई है? आरती यहाँ क्यों आई है? इन वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द कौन, क्या, कहाँ, क्यों आदि प्रश्न पूछने के लिए किए जा रहे हैं और वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह भी
लगा हुआ है, प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। तो आइए इनकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, उदाहरण देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ जैसी वैसी दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में संबंध जोड़ने के लिए हो रहा है। इसी तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जितना कमाओ उतना खर्च करो, जितना उतना आदि शब्द भी वाक्य में संबंध जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए परिभाषा पढ़ते हैं। जब दो सर्वनाम शब्द वाक्य में संबंध जोड़ने का काम करें उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, उदाहरण देखिए, गौरव अपना काम स्वयं करता है, स्वयं यानी अपने आप। यहाँ स्वयं शब्द को करता यानी काम को करने वाला अपने लिए यूज़ कर रहा है, इसलिए स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम शब्द है। इसी तरह खुद, अपने आप आदि शब्द भी निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। आइए परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपने इस सेशन में सर्वनाम शब्दों और उसके भेदों के बारे में जाना, तो आपने इस चैप्टर की दो बार अच्छे से दोहराई करनी है। अगले वीडियो में हम सर्वनाम शब्दों के रूपों और उसकी बैक एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन, गुड बाय।